नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारु कौशिक। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम चुनाव की मतगणना जारी है। अब तक के शुरुआती रुझानों में भाजपा प्रत्याशी और सत्ताधारी तेलंगाना राष्ट्रवादी समिति 29 सीटों पर आगे है। असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुसलमीन 17 और कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 दिसंबर को वोटिंग हुई थी। जीएचएमसी के 150 वार्डों पर 1122 प्रत्याशी मैदान में हैं। नगर निगम चुनाव इस बार बेहद खास माने जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। 2016 में हुए जीएचएमसी चुनाव में 150 वार्डों में से 99 वार्ड में टीआरएस ने जीत हासिल की थी, जबकि एआईएमआईएम को 44 वार्ड में जीत मिली थी। इसके साथ ही भाजपा महज 3 और कांग्रेस को 2 वार्डों में ही जीत दर्ज कर पाई थी। ग्रेटर हैदराबाद और पुराने हैदराबाद के निगम पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और ओवैसी ने कब्जा जमाया था। गृह मंत्री अमित शाह 29 नवंबर को हैदराबाद पहुंचे थे। वे मंदिर गए और सिकंदराबाद में रोड शो किया था। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीआरएस सरकार पर तीखा हमला बोला था। कहा, चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं कि आप ओवैसी की पार्टी से समझौता करते हैं, इसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लोकतंत्र में किसी भी पार्टी से समझौता या गठबंधन किया जा सकता है। दिक्कत है कि आपने एक कमरे में इलू इलू करके सीटें बांट ली। जीएचएमसी देश के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक है। ये नगर निगम 4 जिलों में है, जिनमें हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, रंगारेड्डी और संगारेड्डी शामिल है। पूरे इलाके में 24 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, तो तेलंगाना की 5 लोकसभा सीटें आती है। यही वजह है कि जीएचएमसी चुनाव में केसीआर से लेकर भाजपा, कांग्रेस और ओवैसी तक की साख दांव पर लगी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।